नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारी को कर रहे होंगे। जैसा कि यूपीपीएससी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं आपकी, मैंने कई वीडियोस में आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश की है। साथ ही साथ मेरे चैनल पे एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है, एक जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पर कार्यरत जो हैं उनसे बात की हुई, उसका लिंक अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर सुन सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चैनल पर आपके लिए ही, आपकी कन्वीनियंस के लिए, यूपीपीएससी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। उस प्लेलिस्ट को अगर आप इस वीडियो को देखें तो जाते ही जरूर एक बार चेक करेगा। डेफिनेटली बता रही हूं गारंटी के साथ कि आपको वो प्लेलिस्ट बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करें दोस्तों आपके डाउट्स क्या हैं। पहला डाउट आप लोग हमेशा पूछ रहे हो, कुल फॉर्म कितने पड़े, क्योंकि मुझे ही पता है फॉर्म से थोड़ा सा आप लोग कंपटीशन का अंदाज लगाते हो कि फॉर्म इतने पड़े तो इसका मतलब कंपटीशन का लेवल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक दो आपको बताया अभी था, जो फॉर्म है, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन किया, किसी और ने रजिस्ट्रेशन किया, कई लोग तो ऐसा होता है कि फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उससे क्या होती है फॉर्म की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन फॉर्म तभी आपका फाइनल माना जाएगा जब आप उसका फी पेमेंट कर देते हैं। अगर आपने फी पेमेंट नहीं किया तो आपका फॉर्म वैलिड नहीं होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, 2.5 लाख मान लीजिए इतना ही फॉर्म पड़ा होगा, इससे कम ही पड़े होंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर मैं आपको बता रही हूँ कि 2.5 लाख आपको मान के चलना है कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा है। पद आपको पता है लगभग 1200 पद हैं आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम कब तक है। जैसा कि नोटिस में आया था, आपको पता है क्या आया था, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है वो एग्जाम का लिखा हुआ था। लेकिन अब एक बात मैं बता रही हूँ आपको दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस पर। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर आपका 24 तारीख से शुरू है। अब 24 तारीख से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो दिवाली शुरू है। आपको ही पता है आपके लिए पॉसिबल नहीं है एग्जाम देना, आपके लिए तो फिर भी पॉसिबल होगा अगर आपको पता चल जाए कि आपका एग्जाम है, आप दिवाली छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन जिन अधिकारियों को कराना है या जिनको जिस सेंटर पर कराना है, जिस इंस्टीट्यूट पर कराना है, वहाँ पर लोग नहीं मिलेंगे दिवाली जैसे बड़े त्यौहार में। तो आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो अक्टूबर के लास्ट में तो होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। दिवाली है, फिर लास्ट तक आते आते छठ वगैरह भी है, जो अपने यूपी में, गोरखपुर में, इस साइड बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी होती है। तो मुझे लगता है कि दिवाली का जो लास्ट वीक बताया जा रहा है ना, उस समय तो आपका एग्जाम नहीं ही होना है। आप मान के चलिए कि नवंबर में लेकिन हो जाएगा। देखिए इसलिए हो जाएगा दोस्तों, अगर एक हफ्ता खाली डिले हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उन सर ने ही बताया था और ये आप लोगों ने देखा भी होगा, यूपीपीएससी अपना काम बहुत तेजी से करता है। एग्जाम हुआ तुरंत रिजल्ट आएगा, तुरंत टाइपिंग होगी तुरंत रिजल्ट आएगा। एग्जाम क्योंकि ऑनलाइन होना है, फॉर्म भी ज़्यादा बढ़े गए हैं, तो इसलिए एग्जाम को कंडक्ट कराने में ही पहले टाइम लग जाएगा। एक साथ सारे एग्जाम्स तो हो नहीं पाएंगे, कुछ शिफ्टों में कुछ दिनों तक एग्जाम चलेगा। तो इसीलिए इस एग्जाम को मान के चलते हैं कि नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग तैयारी करें तो बहुत जोर शोर से अच्छे से करिए, अक्टूबर के लेकिन लास्ट में होना बहुत मुश्किल है। नवंबर में मानिए इस एग्जाम को होना, कब, नवंबर का फर्स्ट वीक में आप समझिए इस एग्जाम का हो जाना तय है। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे क्योंकि अभी आपका पेट का एग्जाम है, तो बहुत से लोग पेट की वजह से अभी भी तैयारी को शुरू नहीं कर पाए हैं। तो देखिए अगर आप अभी भी तैयारी को नहीं शुरू कर पाए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों नहीं टेंशन वाली बात है, देखिए दोस्तों अगर आपको इस एग्जाम में टाइपिंग आती है ना, तो समझ लीजिए काफ़ी चीज़ें तो आपकी वैसे ही तैयार हैं, क्योंकि इस एग्जाम में मेन जो आपकी दिक्कत आएगी वो आएगी टाइपिंग में ही। तो टाइपिंग अगर जिसको आती है, उन्होंने भी पढ़ाई नहीं की है, तो ये है कि 16 के बाद से आपको एक भी दिन आराम नहीं करना है। 16 के बाद से जो आपके 12-15 दिन का टाइम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। हम बताते हैं कैसे पढ़ाई आप करेंगे। उसके पहले बात कर रहे थे टाइपिंग को लेकर, जो अभी भी आप लोगों का इशू चल रहा है। देखिए हिंदी में टाइपिंग यहाँ मांगी जाती है, यूपीपीसीएल में हमेशा कौन सी कृति देव मांगी जाती है, ठीक है। इसी वजह से इस फॉर्म को बहुत से लोग नहीं भरे होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने मंगल सीखी होती है, मंगल से एकदम से कृति देव पे आना भी मुश्किल है। और बहुत से लोग सोचते हैं जाने दो इस फॉर्म को, अभी दूसरी कोई वैकेंसी आएगी जहाँ पे मंगल लगेगा वहाँ हम दे देंगे, वहाँ हम भर देंगे। फॉर्म भी इसका महंगा था, इसीलिए लोगों ने थोड़ा अवॉइड किया है। तो जिनको भी टाइपिंग आती है हिंदी में, कृषि देव में, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा अच्छी, मैं बार-बार कहूँगी, क्योंकि आपको यहाँ से 20 अंक मिलने वाले हैं इस टाइपिंग से। कैसे मिलते हैं दोस्तों, आप लोग बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं, मैम हिंदी से हम क्वालिफाई हो जाएंगे, इंग्लिश से 20 अंक मिलेंगे, तो क्या इंग्लिश नहीं करें? भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ये बताओ। आप किसी भी एग्जाम को देने आते हो, मतलब मैंने जितने भी टाइपिंग के एग्जाम आज तक दिए हैं, वहाँ जाओ तो वहाँ दोनों होता है, हिंदी करो और इंग्लिश करो। और हिंदी जिसको आती है वो इंग्लिश तो डेफिनेटली जानता होगा, उसके लिए इंग्लिश तो कोई इशू नहीं होगी, क्योंकि वो हिंदी जानता है, तो मुझे पता है वो इंग्लिश अच्छे से जानता होगा टाइपिंग, तो इंग्लिश में तो दिक्कत ही नहीं। और इंग्लिश कर लोगे आप तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। तो 20 अंक किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए 20 अंक। तो बस दिमाग में एक चीज़ बैठा के रखो, कोई कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, कब क्वालिफाई होंगे कब नहीं होंगे, उससे क्या मतलब है। आप एग्जाम में जाओ, सोच के जाओ,
टाइपिंग में हमें दोनों करना है, हिंदी भी करना है और इंग्लिश भी करना है। आ रही है बात समझ में? कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं रखनी आपको, 20 अंक लेने हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों करनी है, बस खत्म सी बात, ठीक है। अब बात करें तो कितना समय मिलेगा, तो दोस्तों मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा है टाइपिंग के लिए तो वीडियो बनाई थी कि अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो आप बेसिक से पहले बात तो शुरू कर दीजिए। इसलिए दोस्तों क्योंकि यूपी पीसीएल की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है, टाइम नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा कि आप टाइपिंग के लिए बहुत मेहनत करके सीख पाइए। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो टाइम मिलता है दोस्तों ना, एक महीने का मिलता है, रिजल्ट से लेकर टाइपिंग के बीच में कुल एक महीने का टाइम मिलेगा। उसमें भी आपका जैसे टाइम स्लॉट होगा 1200, क्योंकि इस बार भर्तियां हैं तो थोड़ा सा आपको उसमें भी मिल जाएगा। हो सकता है आपकी शिफ्ट थोड़ी बाद की हो, जैसे कि अभी जूनियर असिस्टेंट हमने देखा होगा आपने, हो सकता है आपकी शिफ्ट जो हो बाद की हो तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ये हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा बहुत आप टाइपिंग ज़रूर करते चलिएगा। अभी अगर नहीं कर रहे हैं टाइपिंग तो कोई बात नहीं, अभी आप थ्योरी पर फोकस कर लीजिए, लेकिन थ्योरी जैसे ही आपकी ख़त्म होगी उसके तुरंत बाद आप रिजल्ट का वेट मत करिएगा कि रिजल्ट आया तो चलें टाइपिंग करने, ये बिल्कुल मत करिएगा। आप थ्योरी देने के तुरंत बाद टाइपिंग को शुरू कर दीजिएगा, अपनी घर बैठ के करना, ठीक है, तुरंत शुरू कर दीजिएगा। आपने अभी नहीं करी है तो मैं अब नहीं कहूंगी, क्योंकि अब 15-20 दिन बचे तो आप पढ़ाई कर लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके तुरंत बाद जब आपकी शिफ्ट हो जाएगी आप तुरंत टाइपिंग में लग जाएगा, तुरंत टाइपिंग की प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है दोस्तों, तुरंत टाइपिंग करके आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। अभी देखिए दोस्तों है लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी आपकी पढ़ाई करने की। वैसे तो मैं एक ऑलरेडी आपको स्ट्रैटेजी बता चुकी थी, बेस्ट बुक्स वगैरह सब बता चुकी थी, लेकिन आज यहाँ फिर से मैं आपको कंपाइलेशन करके बताने जा रही हूँ इस मंथ में आपको क्या और कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी दोस्तों कंप्यूटर, यहाँ पर वो डिसाइडिंग है। क्यों है? 50 क्वेश्चन में आपको पता है दोस्तों अगर 20 अंक आपके नहीं आएंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपका आगे जो जितना भी अच्छा होगा उसको कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपके आगे कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर की मैंने बताया है बेसिक नॉलेज इतनी कर लीजिए कि आपके 20 अंक आ जाएं। कुछ वीडियोस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से पड़ी हुई हैं, ऐसे कन्वर्जन की, एमएस एक्सेल की, प्रैक्टिस सेट की, कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। किसी भी टॉपिक में डाउट होता है, बार बार बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, मैं डेफिनेटली, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर बताइए, मैं आपको उसको डेफिनेटली पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आपको पहले कंप्यूटर पर फोकस करना, इतना फोकस करना है दोस्तों कि आपके 20 अंक आ जाएं। उसके लिए भी देखिए दोस्तों मैंने आपकी हेल्प की हुई, अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर की एनालिसिस की है सब्जेक्ट वाइज, तो आप वहाँ जाकर मुझे लगता है अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली, कंप्यूटर में क्या क्या पिछले सालों में आया है उसी को देखकर मैंने बनाया हुआ है, तो आप उसको वहाँ से देख के कौन कौन से टॉपिक है फटाफट उनको कवर कर लीजिए। आपको देखिए बहुत प्रीवियस ईयर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद एनालिसिस कर दी है और काफ़ी बच्चों ने उसको अप्रूव भी किया कि हाँ मैम आपने एनालिसिस जो की है वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताइए। तो आप इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि एक बार जाके प्लेलिस्ट में आप इस प्रीवियस ईयर एनालिसिस को जरूर देख लीजिए और आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये चीज़ें मैम ने बता दी, ये इंपॉर्टेंट है, चलो इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, इतना मैंने आपके लिए किया है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि आपको ध्यान किस पे देना है। सबसे ज़्यादा ध्यान अगर आपने उस ऑडियो को सुना होगा जो सर ने रिकॉर्डेड दी है मुझे, असिस्टेंट वाले सर ने, उन्होंने खुद भी कहा कि उनके भी 45 में से लग 44 से 43 मार्क्स थे, उनको एग्जैक्टली याद नहीं था, तो आपको भी ये बना के चलना है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग आप सभी लोग मुझे पता अच्छा कर सकते हो, रीजनिंग ऐसी होती कि आप सभी लोग वहाँ पे क्वेश्चन देखोगे और क्वेश्चन को बना सकते हो, उसके मार्क्स ला सकते हो। तो आपको रीजनिंग में 45 अगर नहीं मिलते हैं तो 43 से 44 के बीच में सभी को नंबर लाने हैं, क्योंकि यहाँ से आप नंबर स्कोर कर सकते हो, यही नंबर आपको ऐड ऑन करने हैं। फिर बात कर लेते हैं देखिए हिंदी की। पहले तो मैं आपसे जो कह रही हूँ प्रीवियस ईयर एनालिसिस, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट पे आप खोलेंगे, यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज मैंने सबकी एनालिसिस की है, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर। एक बार उसको मैं क्यों कह रही हूँ बार बार देखने, क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे यहाँ पे आए थे संयुक्त वाक्य वगैरह वाले क्वेश्चन, छंद के क्वेश्चन आए थे, अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों आपसे समास के क्वेश्चन जो आए थे उन सब में क्या आया था, उन सब में उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं पूछा जा रहा था इसमें कौन सा समास है, कौन सा अलंकार है, उसकी क्या पूछी जा रही थी दोस्तों, उसकी पूछी जा रही थी आपसे कि अगर ये वाला अलंकार है, ये वाला ये डेफिनेशन है, इसका उपमा इस पर दिया जा रहा है, तो ये कौन सा अलंकार है, यानी कि आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बात ऐसे ही कर लेते हैं आपसे इंग्लिश की। इंग्लिश में मैंने आपको बता रहा था सबसे ज़्यादा क्या जैसे आएगा, फिगर ऑफ स्पीच आएगा। क्या आ रहा है दोस्तों सबसे ज़्यादा? फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? फ्रेजल वर्ब आ रहे हैं। फिर क्या आ रहा है आपका? डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? एक्टिव पैसिव आ रहा है। एंटोनिम सिनोनिम्स आ रहे हैं, मतलब ये कुछ कॉमन टॉपिक है जहाँ से अगर आप पढ़ लिए तो क्या है आपके काफ़ी मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, 55 में से काफ़ी अच्छे अंक आपके स्कोर हो जाएगा, आपने ऐसा टॉपिक कवर कर लिए। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा,
फिर आपको जो लगे उसको आप खुद डिसीजन लीजिए कि मुझे कौन से टॉपिक पहले पढ़ने, कौन से बाद में पढ़ने हैं। बात कर लेगा जीएस की, तो मैंने जीएस में ही बता रखा आपको दोस्तों, जीएस जो आती है वो थोड़ा बहुत करंट के अकॉर्डिंग आती है और थोड़ी बहुत आपकी जनरल अवेयरनेस जैसी आती है, यानी कि पहला न्यायाधीश कौन था भारत का, पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे, या कोई चीज़ पहली और चली होगी, या दुरंत कब किसे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन इसमें जीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैंने स्ट्रैटेजी क्यों बोली कि आप पहले यहाँ जाइए चैनल की प्लेलिस्ट पे, प्रीवियस ईयर आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर कराए भी हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, एनालिसिस देखिए मैंने क्या क्या टॉपिक बताया है, उसके बाद अपनी बुक खोलिए, जो भी बुक आपके पास है, ऑलरेडी मैं बुक्स का बता चुकी हूँ आपको, जो भी बुक्स आपके पास हिंदी की, इंग्लिश की, सब चीज़ के लिए बुक है, उसको उठाइए और टॉपिक्स अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ मैं तो अपने चैनल पे आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट अभी तक प्रोवाइड कर रही थी, अब आप में से कई लोग मुझसे ये बोल रहे हैं कि आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो कितने लोग फुल प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, प्लस आप में से कितने लोगों को कुछ टॉपिक्स में डाउट है, उसके लिए दोस्तों आप पहले, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, आप मेरे चैनल पे जाकर मेरे एनालिसिस के, मेरे पढ़ाने के तरीकों को एक बार देख लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो मुझे आप नए टॉपिक बताइए कि मैम इसमें प्रॉब्लम है, मैं उन सभी टॉपिक को आपको यहाँ पर पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही साथ अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे प्रैक्टिस सेट के लिए, तो हम लोग डेली एक लाइव प्रैक्टिस सेट भी दे लिया करेंगे, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम लोग डेली लाइव प्रैक्टिस सेट लेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की कमिटमेंट चाहिए कि आप सभी लोग उसमें इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज क्या होता है लाइव चलाओ एक डेढ़ घंटे से ऊपर का आपका पेपर हो जाएगा, 180 क्वेश्चन क्योंकि हैं, या तो अगर आप लोग डिवाइड करके रखना चाहते हो तो मैं डिवाइड कर लेती हूं, सेक्शन दो सेक्शन एक दिन कराऊं, दो सेक्शन एक दिन कराऊं, ऐसा कुछ कर लेते हैं। जैसा भी आप लोग सब चीजों को प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कोई क्वेरी हो वो तो आप पूछिए, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां पर मैंने आपको यूपीपीसीएल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो वहां पर प्रोवाइड किए हुए हैं, और भी जो भी चीजें होती वो मैं वहीं पे आपको देती हूं, तो टेलीग्राम से इसीलिए बोल रही जरूर जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी जरूर समझ में आई होगी मेरी, कि आपको करना क्या है, पहले कंप्यूटर पे फोकस करके उसको क्लियर कर लेना है, फिर रीजनिंग करनी है, फिर हिंदी करनी। हिंदी इसलिए बोल रही हूँ कि आप में से कई लोगों को अलंकार वगैरह अच्छे से पता होंगे, उसके प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर इंग्लिश करना है आपको, इंग्लिश मैंने टॉपिक्स बता दिया आपको, उन टॉपिक्स को पहले कवर कर लीजिए फिर नई चीज़ें पढ़िएगा, और जीएस में ही बता दिया मैंने आपको कैसे पढ़ना है, तो उम्मीद है कि सब समझ में आया होगा आपको। बस आपसे यही चीज़ है कि आपको जो भी चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं, लाइव क्लास वाली बात, पूरा फुल प्रैक्टिस सेट चाहते हो, या जो भी टॉपिक्स में आपको इश्यूज़ हैं आप उसको बताइए, मैं उसको तुरंत आपके लिए वीडियो बना के यहाँ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।